बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वो तमाम बातें होती जा रही हैं जैसे जैसे हमको बताई गई थी और बाइडन के ज़बानी हम सुन चुके थे, और उसके अंदर ये आप खबर देख रहे हैं। अल जज़ीरा है, रशियन यूक्रेन लाइव न्यूज़ के हवाले से, डेडली कीव स्ट्राइक इन्वेजन्स। और इसमें जो खबर आ रही है बड़ी ख़तरनाक है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। और ख़बर यह है कि यूक्रेन दारुलहुकूमत कीव में क्या हुआ है, रूसी तैयारों की शेलिंग हुई है, जहां पर 4 अफराद हलाक हो गए हैं। और खारकीव शहर पर गुज़िश्ता रोज़ 65 मिज़ाइल हमले हुए, 600 इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फोर्सेस ने एक ही दिन में 4 रूसी तैयारे, 3 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया, जबकि कीव में अमरीकी सफारतखाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने का या कम अज़ कम शहर छोड़ने का जो है वो हिदायतनामा जारी कर दिया है। यहाँ पर सूरत हाल क्या है, यूक्रेन का सरकारी टीवी जो स्टम तक काम कर रहा है क्या कह रहा है, तफसील दे रहा है। वो कहते हैं कीव पर रूसी बमबारी हो गई है और आज वो प्रॉपरली कर दी गई है, और इमारतों के अंदर आग भड़क उठी है। शिलिंग और मिज़ाइल हमलों में कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं वो कहते हैं कि वो मलबे का ढेर बन गई हैं। कीव की ये हालत है, जिसके बारे में हमें कहा जब कहा जा रहा था, जब ये बात बाइडन कह रहे थे तो ज़ेलेंस्की नाराज़ हुए थे। उन्होंने कहा कि आप जब ऐसा कह रहे हैं तो खौफ आ रहा है, आप जब ऐसा कह रहे हैं तो बुरा लग रहा है। लेकिन बहरहाल आज वो बातें ना चाहते हुए भी रिपोर्ट करनी पड़ रही हैं कि कीव के मेयर ने शहर में 35 घंटे का तवील कर्फ्यू ऐलान कर दिया। दूसरे बड़े शहर खारकीव पर गुज़िश्ता 24 घंटे में 65 हमले हुए हैं। कैन यू इमेजन, वहाँ पर जंग के आगाज़ से अब तक तकरीबन 2,500 लोग जो है वो मर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद खबरें भी ले लेते हैं, मज़ीद वहाँ पर क्या हो रहा है। हर किस्म की जो नफ्सियाती मामलात होते हैं खेलने के, वो हो रहे हैं। एलन मस्क ने भी आपको पता चैलेंज किया था, उसके जवाब भी जो है वो प्यूटन ने नहीं दिया, मगर प्यूटन के जो दोस्त हैं कादरोव, उन्होंने जवाब दिया है, चीचने के सदर हैं, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि आप ये ना करें, ये बात ना करें, आप लड़ने की बात ना करें, क्योंकि आप एक बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन हैं और आपको ये बात जेब नहीं देती कि आप ऐसी बात करें, मतलब आपको ही सूट नहीं करता। यानी कि जो एलन मस्क हैं उनको ही सूट नहीं करता कि वो लड़ाई झगड़े की बात करें कि लड़ लो झगड़ लो ये तमाम चीज़ें। तो वो ये बहुत मुनासिब बात उन्होंने की, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने भी ये मेरे हिसाब से कादरियोव के सामने अगर कोई और होता तो वो कहते कि आप पहले मुझसे कर लें, लेकिन इन्होंने एलन मस्क का लिहाज किया। उन्होंने बोला आप मत करें, अब वो कह रहे हैं कि जी मैं अपना उल्टा हाथ या अपना सीधा हाथ जो है बांध लूँगा और मुझे एक हाथ से आप लड़वा दें फिर। यानी कि उनको समझ ही आती है, यानी कि कोई किसी को रास्ता देता है किसी बात के लिए, मगर वो कादरियोव की बात समझ में नहीं। और एलन मस्क जो है वो उस बात के ऊपर भी उल्टा ही जवाब बहरहाल वो देते रहे। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है, सूरत हाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो सूरत हाल ये है कि इस टाइम पूरे यूक्रेन के अंदर जो है अब प्रॉपरली जो शेलिंग है, मिज़ाइल्स अटैक्स हैं वो शुरू हो गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत इमारतें जो तबाह हो गई हैं, और अब जो नेटो है उसका सवाल साफ जवाब आ गया है, वो पीछे हट गया है। और इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं वो आपके सामने हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। भारत जो भी अपडेट आएगी इसके हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं आपको आज उसकी मुकम्मल मालूमात दूँ। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।